हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यह पत्र सभी महिला कर्मचारियों के लिए जारी किया जा गया है। यह सभी महिला कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप देख सकते हैं कि पत्र 5 जुलाई 2023 को भोपाल से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। और आप देख सकते हैं प्रति में शासन के समस्त विभाग यानी मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश यानी CL स्वीकृत करने बाबत। तो हम इसे पूरे पत्र पर बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त, समस्त जिला कलेक्टर, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश यानी शासन के मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभागों के लिए पत्र जारी किया गया है। और आप इसे में देख सकते हैं कि सभी महिला कर्मचारी है उनको 7 दिवस का यानी 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL प्रदान करने के संबंध में यह आदेश जारी किया जा रहा है। इसका पूरा डिटेल हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि संदर्भ में दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 2341-3006-1-3/64 दिनांक 11 दिसंबर 1964 यानी जो 11 दिसंबर 1964 को कोई पत्र क्रमांक जो दिया गया है वो जारी किया गया था, उसके अनुरूप आप देख सकते हैं कि विषय अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञापन क्रमांक 11 दिसंबर 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। यानी जो पत्र 11 दिसंबर 1964 को जारी किया गया था उसके अनुसार तब से लेके ये पत्र जारी होने तक सभी महिला कर्मचारियों के लिए 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। और आप नीचे देख सकते हैं कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL दिया जाएगा, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी महिला कर्मचारी है उनको 13 CL ऑलरेडी मिलती ही है और प्लस 7 और मिलने वाली है। और इस प्रकार से उनको एक सत्र में 20 CL मिलेगी। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए डियर फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, हम जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से यह पत्र जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार आप देख सकते हैं गिरीश शर्मा उप सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग।